हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आप डीएल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उसको बड़ी आसान तरीक़ा से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगा और किसी किसी केस में डीएल नंबर का भी ज़रूरत पड़ता है। तो यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर या डीएल नंबर नहीं है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं केवल नाम और मोबाइल नंबर के हेल्प से। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा वीडियो का। तो यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर या डीएल नंबर नहीं है तो आप वहाँ से वो वीडियो देख कर, ये वीडियो देख कर के आप उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे और यहाँ हम लिखेंगे परिवहन सेवा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। परिवहन सेवा, ये ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे सबसे पहले। ये आ गया परिवहन सेवा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये साइट खुल रहा है। इसमें है, यहाँ पे है ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें हम जाएंगे। इसमें है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है। हाँ, यहाँ सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो हम अपना स्टेट सेलेक्ट इसमें कर लेते हैं, झारखंड। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें है देखिए, यहाँ प्रिंट लाइसेंस डिटेल, ये प्रिंट लाइसेंस डिटेल, इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिंट कर सकते हैं। इसको इसमें खोलेंगे, यहाँ प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ये जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। चलिए हम अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो गया, डाल दिए। इसके बाद इसको फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। डीएल प्रिंट डाउनलोड ऑप्शन नॉट अवेलेबल फॉर दिस स्टेट। ये होता है कि किसी किसी स्टेट के लिए डीएल प्रिंट डाउनलोड ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में करना ये होगा कि उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, चलिए वो देखते हैं कि उससे अपना डीएल का सारा, उसमें सारा डिटेल रहता है, वहाँ से हम वो चीज़ कर सकते हैं। बैक चलते हैं। ये काम नहीं कर रहा है शायद, हाँ नहीं कर रहा है, इसको नया से करना होगा फिर से। परिवहन सेवा, ये आ गया। फिर से हम इसमें जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर वो ऑप्शन आपका वो काम नहीं करता है तो आपको फिर से ये करना होगा, ऑनलाइन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस स्टेट सेलेक्ट करके। अब यहाँ जा करके अप्लाई ऑनलाइन में हम क्लिक करेंगे। इसमें ये जो है सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें क्लिक करने के बाद, इसमें क्लिक करके हम सारा डिटेल ले सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस का। यहाँ फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, ये सारा चीज़ फिल करना होगा, डीएल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और ये सारा चीज़ जितना ये मांग रहा है, ये जितना रेड स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, ये आपको डालना ही होगा। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं पता है, नहीं याद है कितना है, आप बनवा चुके हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि आप किस तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस को नंबर को फाइंड कर सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। चलिए डीएल नंबर, अब
यहाँ गेट डिटेल पे भी आप इसको क्लिक करके आप अपना डिटेल सारा वो इसमें दिखा देगा, शो कर देगा, या फिर आप ये सारा फिल भी कर सकते हैं, ये जो स्टेट है, RTO है, ये सारा इसमें देखते हैं। गेट डिटेल पे, गेट डीएल डिटेल पे क्लिक करके अगर सारा डिटेल आ जाता है तो हाँ, ये देखिए ये सारा चीज़ आपको ये सारा डिटेल आपको शो कर दिया है। आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप इससे अभी टेम्परेरी काम चला सकते हैं, यदि आपका डीएल खो गया है या मिल नहीं रहा है तो। यहाँ गेट डिटेल पे इसमें नाम है, सारा चीज़ आ गया है, कब बना हुआ है, कौन सा स्टेट और कौन सा RTO से बना हुआ है, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फ़िलहाल इससे काम चला सकते हैं, अगर आपका स्टेट अलाउ नहीं करते हैं ओरिजिनल DL डाउनलोड करने के लिए तो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ये रेड वाला बटन या सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।